हेलो एवरीवन, इसी तरह के इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हेलो डियर गाइस एंड डियर स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मी एंड माय यूट्यूब क्लासेज में। मैं हूं वत कुमार और आपको बताने जा रहा हूं कि आपको था जिसका इंतजार एडमिट कार्ड का, हाँ बिल्कुल, जिनका री एग्ज़ाम होने वाला है। हिस्ट्री के स्टूडेंट जो हैं, यानी बीए फर्स्ट ईयर और बीए सेकंड ईयर में फर्स्ट पेपर जो हिस्ट्री का आउट हो गया था, उसका री एग्ज़ाम हो रहा है 19 और 20 जुलाई को, तो उसका एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है, यानी आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि इससे जस्ट पहले मैंने वीडियो में आपको बताया था कि जेएनयू की ऑफिशियली साइड से वापस जो टाइम टेबल है वो जारी हो गया है, और उसमें ये भी बताया कि जो आपका एग्ज़ाम है वो 3 से लेकर आपका एक ही, देखो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिए, आपका एग्जाम 1.5 घंटे का होगा। अब 1.5 घंटे का क्यों होगा, तो ध्यान रखना है ये एक ही पेपर है, क्योंकि इससे पहले आपके एक दिन में 2 पेपर होते थे तो वो 3 घंटे का टाइम हुआ करता था, ठीक है, ये आपको पता होगा। लेकिन फिलहाल आपका एक ही पेपर आपको करना है, क्योंकि एक ही पेपर आउट हुआ था फर्स्ट पेपर, तो 3 से 4.5 के मध्य यानी 1.5 घंटे का ये पेपर होगा। और ये जो पेपर है वो 3 से 4.5 के मध्य दोनों के लिए हैं, ठीक है ना, यानी 19 तारीख का बीए सेकंड ईयर के लिए और 20 तारीख का बीए फर्स्ट ईयर के लिए हिस्ट्री वालों के लिए है। तो अब इसको डाउनलोड कैसे करना है, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ से आ रही है। तो ये बताने से पहले एक चीज़ आप और ध्यान रखिए कि जो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे स्टूडेंट, उन्हें एडमिट कार्ड उन्हीं कॉलेज से दिया जाएगा। यानी जिस तरह से पहले प्राइवेट जो कॉलेज में स्टूडेंट जो पढ़ने वाले हैं उनको प्राइवेट कॉलेज के द्वारा ही एडमिट कार्ड दिया गया था, तो अभी भी दोबारा भी जो स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं उन्हें अपना एडमिट कार्ड उसी कॉलेज से मिलेगा, और जो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो कैंपस जेएनयू कैंपस के स्टूडेंट है, उनके लिए ये मैं जो बता रहा हूँ ऑफिशियली साइट से डाउनलोड करना है। अब कैसे करना है तो चलो देखते। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपको यहाँ पे अपने गूगल में जाके आपको सर्च करना है जेएनयू एडमिट कार्ड डाउनलोड। ये लिखते ही आपको यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पहला ही ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपके सामने जेएनयू एडमिट कार्ड डाउनलोड, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो नेक्स्ट जो इंटरफेस आएगा उसमें आपको क्या करना है कि आपने जो एग्ज़ाम फॉर्म भरा था ना, उस फॉर्म नंबर एग्जाम पे आपके फॉर्म नंबर होंगे, अब वो फॉर्म नंबर है वो आपको यहाँ पे डालने, क्या करने है वो फॉर्म नंबर आपको यहाँ पे डालने, और इसके बाद ये एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड हो जाए। एक चीज़ ध्यान रखिए, अभी जो सर्वर है वो बहुत वीक, या कहते हैं ना बहुत कमज़ोर चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है, तब आपको क्या करना है, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको ये प्रयास करते ना बार बार हो जाएगा डाउनलोड, ठीक है। तो करना क्या है आपको, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है फॉर्म नंबर, तो यहाँ पे आप अपने फॉर्म नंबर डाल दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे अपने फॉर्म नंबर डालने के बाद आपको क्लिक करना डाउनलोड एडमिट कार्ड। डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक करने के बाद आपके कुछ ही सेकेंड में ये डाउनलोड हो जाएगा। अगर सर्वर ईजी है, मतलब सर्वर फास्ट है, तब तो जल्दी हो जाएगा, वरना टाइम लगेगा। इस तरह से एडमिट कार्ड आप पे क्लिक करेंगे और एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। जब एडमिट कार्ड डाउनलोड होता है तो किस तरह से इसमें क्या नया आएगा वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जैसे ये एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो मैं यहाँ पे देखो बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जो 2 नंबर कॉलम है, 2 नंबर कॉलम में हिस्ट्री का पेपर 2 दिया हुआ है, जो 26 तारीख को हुआ था, 26 मई को, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा। तो इसके इसी दिन फर्स्ट पेपर भी हुआ था लेकिन वो आउट हो गया था, तो देखिए अब यहाँ पे इस जगह से वो हटा दिया गया है, ठीक है। अब हिस्ट्री का वापस हो रहा है, तो अब देखिए कॉलम नंबर 8 देखिए, यहाँ पे आपके हिस्ट्री पेपर फर्स्ट दिया हुआ है, ठीक है, और इसकी डेट दी हुई है, क्या डेट दी हुई है, इसकी डेट दी हुई है, देखिए यहाँ पे इसकी जो डेट दी हुई है वो दी हुई है 20 जुलाई 2022, और टाइम है 3 से 4.5 के मध्य। तो यानी ये आपका नया, आप ऐसे मत समझना कि पुराना डाउन अपना एडमिट कार्ड, नहीं, ये नया एडमिट कार्ड है और ये चेंज हो गया। तो डी स्टूडेंट, आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये अपडेट कैसी लगी, मेरा प्रयास कैसा लगा, अगर सही लगा है आपको ये अपडेट करंट और बिल्कुल सही लगा, तो इस वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए, क्योंकि काफ़ी जनों को ये ज़रूरत थी कि ये एडमिट कार्ड कब आ रहे, कब इसको, क्योंकि एग्जाम डेट फिक्स हो गया तो काफ़ी कन्फ्यूजन था, तो ये आपका प्रयास उनके लिए सपोर्टिव होगा। तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मिलेंगे नए वीडियो के नए अपडेट के साथ, तब तक जुड़े रहिए।